स्टार्ट। सो द टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन डेवलपमेंट। सो लॉ एंड ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, मोस्टली बिकॉज इन केस ऑफ लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर द इश्यूज दैट वी सी आर नेचुरली एथनिक क्लैशेस, कैन इरप्ट, राइट्स कैन हैपन, इन केस सिविल वॉर कैन हैपन, डिवाइड अमंग क्लासेस कैन लीड टू एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेस, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस अमंग सोसाइटी कैन बी अनइक्वल। सो इन लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हैज मैनी इश्यूज। इफ वी प्रोवाइड प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर सर्विसेस इन अ सोसाइटी, देन इट कैन प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, इट कैन यूटिलाइज एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, एंड इट्स यूसेज अमंग द लोकल्स दैट लिव इन दैट एरिया। लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर कैन कॉज एथनिक क्लेंजिंग इन सम एरिया, विच विल स्टॉप प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर एरिया फॉर डिकेट्स, विच कुड हैम्पर इट्स डेवलपमेंट। देन वी सी दैट नियर रिवर बेसिन्स द रेत खनन माफिया, सैंड माफियाज, दे एक्सट्रैक्ट नेचुरल रिसोर्स, सैंड्स एंड अदर रिसोर्सेस फ्रॉम रिवर, एंड दे कॉज लॉट ऑफ अनार्की इन दैट एरिया, एंड दैट लीड टू स्टैग्नेंट डेवलपमेंट ऑफ दैट रीजन। बेस्ट एग्जाम्पल्स आर इन इंडिया, छत्तीसगढ़, झारखंड स्टेट्स, वेयर लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस इज अवेलेबल, बट लाइक नक्सलाइट्स प्रेजेंट्स इन छत्तीसगढ़ एंड झारखंड हैज कॉज्ड इश्यूज देयर, एंड दैट हैज स्टैग्नेटेड ग्रोथ ऑफ दैट रीजन। सो वी कैन से दैट प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर कैन रियली लीड टू ओके प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द रीजन। ओके तो एंड मेरे पास इसमें दो कमेंट है, मतलब यू ट्राइड टू बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। एक तो ऐसा है कि लॉ लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मतलब ये नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर खराब होने का मतलब ये नहीं कि इथनिक क्लिजिंग हो रही है, या फिर कुछ बहुत बड़ा केस वेस हो रहा है। स्मॉल चीजें भी आती हैं जैसे कि मतलब चोरी बहुत होना, या फिर ट्रैफिक नहीं मैनेज होना, या फिर मतलब क्राइम अगेंस्ट वुमेन, या फिर मतलब ये सारे सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर के हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे इश्यूज भी होते हैं। और दूसरा कमेंट ये है कि डेवलपमेंट जब भी आपसे बोला जाए ना, तो आप सिर्फ उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के उसमें मत रखो, है ना। एवरी टाइम समवन आस्क फॉर डेवलपमेंट, तो हमारा घूम फिर के दिमाग हमेशा इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे चला जाता है। तो जितने तुमने नेगेटिव इम्पैक्ट बनाए हैं उस मोर ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से, जैसे सर डेवलप, ये नक्सल वाला जो एग्जांपल हाँ दिया था वो, वो हाँ तो वो वाला ओवरऑल, तो वो ओवरऑल था, बट हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट में भी तुम उस पर बात कर सकते हो। ठीक है, और वुमेन सेफ्टी, सोशल हार्मनी, इन सब चीजों पे भी बात कर सकते हो। और प्रेफरेंस, जैसे कई जगह पे अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है तो लोग ज्यादा प्रोडक्टिव, लोग आकर सेट हो सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं, दे कैन बी, दे कैन क्रिएट गुड इकोनॉमी देयर। ये छोटे एग्जांपल्स भी तुम डाल सकते थे, है ना, कि जैसे बिहार जैसे जगह पे मतलब वहाँ के जो एंटरप्रेन्योरियल माइंड्स हैं, जो भी टैलेंटेड लोग हैं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं अच्छे होने की वजह से दे शिफ्ट टू अदर स्टेट, ये भी तुम एग्जाम्पल दे सकते हो। तो इस तरह से भी तुम्हें सोसाइटल लेवल पे भी थोड़ा आकर इम्पैक्ट बताना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ना मुझे लगता है कि मोर ज्यादातर इकोनॉमिक साइड से या बड़े इम्पैक्ट को लेकर ही वो हो गया इस बार, नहीं? सर इसमें एक क्वेश्चन था कि स्टार्ट कैसे करें। अब आपने बोला तो मैंने डायरेक्टली इश्यूज बता दिए, एथनिक हाँ यार, चलो ठीक इश्यू। है, अब 2 मिनट के टाइम है ना, तुम बहुत बड़ा टाइम नहीं ले सकते इंट्रोड्यूस करने का टॉपिक, है ना। और इसको एक प्रॉपर
सेट नहीं कर पा रहा, जैसे कि पहले ये है तो पढ़ना वैसे पहले। स्टार्ट कर सकते हैं कि लॉ एंड मतलब द बैड बैड या पुअर लॉ एंड गवर्नेंस कैन क्रिएट मल्टीपल इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, है ना। इफ टू मच ऑफ जो अपराध को क्या बोलते हैं, पिटी क्राइम्स विल हैपन, पीपल विल स्टार्ट लीविंग द रीजन एंड देन द बिजनेस एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटी विल गेट हैम्पर्ड, है ना। इफ पीपल आर नॉट बिहेविंग एज अ सिटीजन, और जैसे विमेन अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट विमेन हो रहा है या क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रेन हो रहा है, तो ऐसे केसेस में स्कूल और एजुकेशन हेल्थ सिस्टम वगैरह भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सारी चीजें तुम्हें मिला मिला कर बोलनी, ठीक है। यू डोंट हैव टू वेल स्ट्रक्चर योर आंसर ये, ठीक है, क्योंकि जस्ट हैव 2 मिनट टाइम। एंड एक्सट्रोवर्ट का मतलब ही होता है कि अनप्रिपेयर्ड, है ना। तो स्पीक योर माइंड विदाउट प्रिपेयरिंग इट, ठीक है। सर तो कोई इश्यू था कहाँ पे मार्क्स कटेंगे? नहीं, मार्क्स ऐसा